और कुछ खतरनाक तो हुआ नहीं है। और ये क्या है? ओ भाई ये कहाँ से TNT आ गई है दूर जाने यहाँ से? और ये क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे गाइस, बिना पत्तों के पेड़ आ रही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हमें ना एक विलेज में आया है, बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाला विलेज। बहुत लोगों से मैंने सुना था कि यहाँ पे हीरो ब्लाइंड मतलब स्पॉन हो सकता है ये वाले वर्ल्ड में। तो मैं आया हूँ यहाँ पे ना हीरो ब्लाइंड को स्पॉन करके देखने की सच में ऐसा होता है या नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे हीरो ब्लाइंड के ऊपर और देखा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है हीरो ब्लाइंड। कोई भी वर्ल्ड में आता है तो 2x2 का टनल बनता है, TNT कहीं से भी रैंडमली आ जाते हैं, ऊपर से बारिश बिजलियाँ कड़कती है, आग लग जाते हैं, पेड़ के पत्ते गायब हो जाते हैं। मतलब मेरे को भी देखना है, हालांकि वो बहुत डेंजर है। और एक मिनट, ये क्या ये हीरो ब्राइन ने किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, शायद मैंने कभी किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज है ना हम हीरो ब्राइन को स्पॉन करने वाले, और स्पॉन करने के मैंने काफ़ी वीडियोस देखे कैसे स्पॉन करते हैं, और फाइनली मैंने है ना एक ट्रिक पता किया है और वो ट्रिक से हम स्पॉन करने वाले हैं। और होप करें कि स्पॉन होते ही वो हमको नाम आ रहा है, हम हो सकता है कि उससे ना फ्रेंडशिप कर सके, उसको दोस्त बना सके, और अगर उसकी पावर हमको मिल जाएगी तो भाई आपको तो पता ही है मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सारा सामान है ना यहाँ पे एक चेस्ट में है, और इस पर ना एक वार्निंग भी लिखा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या लिखा है एक्चुअली। तो मैं दिखाता हूँ ये वाले घर के अंदर वो सामान है। तो चलिए है ना इस घर के अंदर चलते हैं, अभी है ना आप लोग हैरान हो जाएंगे जो जो इसके अंदर है। तो पहले गेट को खोलते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेस्ट है, और यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में वार्निंग लिखा है, डोंट डू दिस इट्स डेंजरस। मतलब एक खतरनाक तरीके का है ना वार्निंग लिखा है, अगर हमने ये किया तो खतरनाक हो सकता है और इसके जिम्मेदार हम खुद हो गए। तो इसलिए है ना हमको सोच समझ के जो भी करना है करना है, कि हीरो ब्लाइंड कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ हम खेल सकते हैं। बहुत ही खतरनाक बंदा है और वो सबको मार देता है, इसलिए ना इससे बच के रहना है। और देख सकते हो इसके अंदर हमको स्वॉर्ड क्यों दिया, हमको क्या हीरो ब्लाइंड से लड़ना है? इतना बेवकूफ़ हो गया मैं कि हीरो ब्लाइंड से लड़ने जाऊँगा, उससे जीतने का है वो भी बिना इंचेंटेड का। और ये क्या है, ये हेड है, और ये हेड तो सर्वाइवल में मिलता नहीं, क्या क्या चीज़ें दिए इससे हीरो ब्लाइंड को स्पॉन करते। तो काम करता हूँ सब चीज़ों को लेके ना स्पॉन करने लगता हूँ, जैसा मैंने वीडियो में देखा था एकदम वैसे करना है और एकदम तैयार हो जाना है, क्योंकि जब भी वो आएगा ऐसा मैंने वीडियो में देखा कि वहाँ पे बारिश आने लगता है, बिजली कड़कता है, ऊपर से हमारे ऊपर बिजलियाँ गिरता है, तो सब हमको है ना संभल के रखना पड़ेगा। अभी मैं फटाफट से चलता हूँ और मैं है ना उसको ये साइड स्पॉन करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पर सही रहेगा। तो जैसा मैंने देखा था मुझे वैसा करना है, तो चलिए है ना फटाफट से मैं वैसा का वैसा करता हूँ। सबसे पहले है ना मुझे यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऐसे करना है, उसके बाद 1, 2, 3 और ये 4 ऐसे करना है, उसके बाद मुझे इसको यहाँ तक लाना है और इसको पूरी तरह कनेक्ट कर देना है, और ये फाइनली हो चुका है। और इसके बाद है ना हमको एक चीज़ ये होगा, एक हमको नॉर्मल डर्ट लेना है या फिर कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, तो मैं फटाफट से ये ले लेता हूँ। सबसे पहले ना मैं इसको पहन लेता हूँ, क्योंकि क्या पता अगर अचानक से आ गया तो हमको अचानक से मार देगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ होगा ना। तो इसके ऊपर है ना हमको एक गोल्ड ब्लॉक लगाना है और नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ देना है, और इसको कलेक्ट करके दूर फेंक देना है। अपने है ना इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं होना चाहिए ये जो चीज़ें हमको दी है उसके अलावा, तो इसको फेंक के ना हमको गोल्ड पूरी तरह यहाँ पे कवर कर देना है पूरी तरह इस तरीके से, और नीचे ना खाली होना चाहिए। पता नहीं लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जैसा देखा था वैसा ही मैं कर रहा हूँ। नीचे ना उसने एक ब्लॉक छोड़ा हुआ था, तो उसने कहा था कि ऐसे स्पॉन होता है हीरो ब्लाइंड, अभी सच में होगा या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर इस तरीके से करना है, और मुझे ना आर्मर स्टैंड यहाँ कोने कोने पर लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है, और इसके ऊपर मुझे ना एक हेड मतलब लगा देना है इसके ऊपर इस तरीके से। तो एकदम सही कर रहा हूँ मैं, मेरे को है ना हर एक कोने पे करना है, तो फटाफट से ना मैं इसको लगा देता हूँ। Few inches later. ओके गाइस, फाइनली हो चुका है, लेकिन है ना मैं एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे ना रेड स्टोन के टॉर्चेस होने चाहिए, और इसको ना लास्ट में लगाने को कहा है। और जहाँ तक मुझे पता है जैसे ये कंप्लीट होगा ना उसके बाद बहुत ही खतरनाक चीज़ें होने चालू हो जाएंगे, लेकिन मुझे रेडस्टोन के टॉर्च शायद से ये चेस्ट में मैंने छोड़ दिए या फिर मुझे दिखा नहीं, क्योंकि रेडस्टोन का टॉर्च तो होना ही चाहिए, मैंने जैसा देखा था वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, शायद से कोई दूसरे घर में हो सकता है। मैं एक मिनट सारे घर को चेक करता हूँ, क्योंकि है ना रेडस्टोन के टॉर्च के बिना तो होगा नहीं, और मैं खुद बना नहीं सकता। उसमें कहा था वीडियो में कि वो ऑटोमेटिक बनेला मिलेगा आपको, अगर आप खुद बनाओगे तो वर्क नहीं करेगा। तो है ना मैं सब में ओके, एक डोर खुला है यहाँ पे, और ओके देख सकते हो यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा है। आर यू सीरियस? मतलब ठीक है ये भी रिस्की है, और चार होते हैं, ओके चारों चार मिल चुके हैं एकदम सही तरीके से, जैसा मैंने देखा था एकदम वैसा ही है। और बारिश भी होने लगा, मेरे को पता था कि इसको एक्टिवेट करूँगा तो थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग गिरती है, 2x2 का टनल आने लगता है, फिर आपको है ना TNT यहाँ वहाँ कहीं पर भी एक्टिवेट मिल जाता है। मुझे पता नहीं था कि सच में ऐसा होता है। एक मिनट वो है ना मैं सच में करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे को है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि रिस्की हो सकता है, क्या पता अगर हीरो ब्लाइंड सच में आ गया हमको मारा, हम ये आर्मर से तो कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर से इसमें इंचैंटमेंट मतलब कोई इंचैंटमेंट भी नहीं है। और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे, हमें ना जब तक ट्राई नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको लगाना है, और यहाँ पर ना मैं जैसे इसको लगाऊंगा थोड़ी देर बाद है ना बिजलियाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ तक मुझे पता था हमको कुछ सेकंड रुकना पड़ता है, मतलब कुछ मिनट शायद से।
तो इसको मैं फटाफट से लगाता हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन है ना आप फाइनली कर ही देते, तो फाइनली हो चुका है और हमको ऐसे ही इस पे खड़े रहना है कुछ सेकंड या कुछ मिनट और ऑटोमेटिक है ना यहाँ पे TNT स्पॉन होने लगेंगे, 2x2 का टनल बनने लगेगा और हीरो बैंड पूरा आ जाएगा यहाँ पे ना, पेड़ पौधों पे ना लीफ भी हटने लगेंगे ऐसा कुछ मतलब बताया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा देर वेट करता हूँ, देखता हूँ सच में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता या फिर ये कोई झूठ था बहुत खतरनाक वाला। ओके देख सकते हो थंडर की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, थंडर होना भी स्टार्ट हो गया। अब भाई मेरे को अब घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, लेकिन जब तक है ना मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे बिजली नहीं गिरती तब तक है ना कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब तब तक हीरोब्राइन नहीं आ सकता, तो बस यहाँ पे ना गिरे। अगर यहाँ पे गिर गए तो इसका मतलब हम गए काम से, हीरोब्राइन हमारे ऊपर हमला कर देगा हर एक डायरेक्शन से, तो बस हमको यहाँ पे खड़े रहना, देखते कब तक ऐसा होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कुछ मिनट रुकना पड़ता है, अभी देखते कब चालू होता है हमारे ऊपर थंडर गिरना या फिर ये कोई बेकार वाला झूठ था बहुत ही गंदा मजाक। तो गाइस बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक कोई बिजली नहीं गिरा। ओ गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फटा बहुत ही खतरनाक लेवल की बिजली गिरी भाई, क्या देख सकते हो मेरे ऊपर क्या खतरनाक लेवल का बिजली गिरा, 2 हार्ट मेरे चले गए लगभग और यहाँ पे है ना एकदम लग चुका है, एक्टिवेट हो गया है और इसका मतलब हीरो ब्रेन आ चुका है हमारे वर्ल्ड में और ये खतरनाक लेवल का काम करता है। मैंने गलती तो नहीं करी उसको स्पॉन करके, और यहाँ वहाँ पे लाइटनिंग की बरसात हो रही है, मतलब इतनी स्पीड में तो मैंने आज तक लाइटनिंग नहीं देखी, यहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे गिर रहा है, और शायद से ना अभी मेरे को देखना है कि मतलब जो हीरो ब्रेन आता है तो जो चीज़ें होती है वो हो रहा है यहाँ पे या नहीं, क्योंकि जब भी हीरो ब्रेन आता है ना अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है हमारे वर्ल्ड में, जैसे कि है ना आपको पता होगा पेड़ पे से पत्ते गिरने लगते हैं और यहाँ से ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पत्ते गायब हो गए या फिर ये पेड़ ही ऐसा है भाई। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ और थोड़ा बहुत घबरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था ये सच में यहाँ पे ऐसा काम करेगा या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था मेरे ऊपर ऐसे ही बिजली गिरी या फिर सच में हीरो ब्रेन आ चुका है, या फिर विरेजल तो नहीं गायब हो गए कहीं पे भाई, बहुत ही ज़्यादा मैं कंफ्यूज में आ चुका हूँ मैं। तो भाई अभी है ना मेरी फट रही है, ऊपर से नाइट है और ये बरसात कब से ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी ऐसा ना हो कि हमारे वर्ल्ड में कुछ अजीब चीज़ें अभी तक मुझे दिख तो नहीं रहा है। ओके देख सकते हो यहाँ पे कहीं तो बिजलियाँ गिर रही है एकदम खतरनाक लेवल की, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा। तो गाइस अभी तक तो मैंने कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखे नहीं, बस यहाँ पे है ना बारिश हो रही है, बहुत सारी बिजलियाँ गिर रहे हैं और कुछ खतरनाक तो हुआ नहीं है। और ये क्या है, ओ भाई ये कहाँ से TNT आ गई है यहाँ पे, TNT आ कहाँ से गया, ऊपर से ये प्लेसर प्लेट भी आ गया यहाँ पे कहीं पे, ये अचानक से कहाँ से आ चुका है मैं, क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, कुछ तो हुआ देख सकते हो गाइस यहाँ पे ना TNT अचानक से स्पॉन हो गया, ऊपर से प्रेशर प्लेट आया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ आगे हम देख रहे हैं कि कुछ अजीब चीज़ें नहीं दिख रही यहाँ पे। ओके मेरे को सबसे पहले जाकर सोना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से नाइट है और ऊपर से यहाँ पे हीरो ब्रेन आ चुका है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है हीरो ब्रेन आ चुका है यहाँ पे, सो लेते हैं। ओके एक मिनट, नहीं सोते हमें ना यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या पता वैसे। ओके देख सकते हो बारिश भी चला गया, मैं सोया नहीं था शायद से ना रात ही चला गया भाई, कल वाला रात तो कुछ ज़्यादा खतरनाक था और होप करें कि अभी दोबारा से बारिश या थंडरस्टॉर्म कुछ ना हो, क्योंकि सबसे खतरनाक मेरा क्या हालत हुआ जब है ना वहाँ पे अचानक से TNT कहीं से आ गया, ऊपर से प्रेशर प्लेट भी कहीं से आ गया, मैं पीछे ऐसे हटा और फट गया भाई, मेरी बहुत ज़्यादा फटी थी, मैंने ना आज तक यकीन नहीं किया था कि हीरो ब्रेन सच में होता है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से आ गया अभी फट। अच्छा डे हुआ है दोबारा बारिश ना होता, क्योंकि अभी देखते हैं अगर बारिश होता है दोबारा तो मुझे कन्फर्म हो जाए कि हीरो ब्रेन आ चुका है, क्योंकि जितना मुझे पता था कि जब मैं है ना इसको स्पॉन करूँगा यहाँ पे हीरो ब्रेन आ जाएगा ना, तो बार बार थंडरस्टॉर्म होगा, दिन ही होने नहीं देगा, दिन होते वापस से थंडरस्टॉर्म चालू हो जाएगा। अभी देखते हैं अगर थंडरस्टॉर्म चालू हो गया तो भाई मैं ये वर्ल्ड में नहीं रहने वाला, मैं तो भाग जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है हीरो ब्रेन आ जाएगा तो यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं। ओके ये विलेजर आ रहे देखने के लिए कि मैंने ये गड़बड़ कर दिया, हीरो ब्रेन को ला दिया बेचारे, ये भी खतरे में पड़ गए मेरे साथ, तो अभी है ना बाहर चलते। ओके वो दोबारा बारिश चालू हो गया, अभी तो बारिश खत्म हुआ था और इतनी जल्दी दोबारा चालू हो गया, कोई मजाक हो रहा है क्या, मतलब सीरियसली। अभी एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ से निकलता हूँ, मैं दूर निकलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता, ये विलेज को छोड़कर जाने दो, यहाँ पे हीरो ब्रेन आ चुका है, मैं ये वर्ल्ड में कहीं दूसरी जगह पे जाता हूँ। और ओके देख सकते हो यहाँ पे TNT फटा था तो मेरे इन्वेंट्री में आ चुका है, बट इसका क्या काम है, इसको अभी हम छोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और एक मिनट देख सकते हो बिजलियाँ हो रही है भाई यहाँ कहीं पे, कहीं TNT ना स्पॉन कर दे, मैं यहाँ से दूर निकल लेता हूँ। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये ये 2x2 का टनल है जो हीरो ब्रेन बनाता है, लेकिन एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ना रेडस्टोन के टॉर्चेस नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था हीरो ब्रेन टनल तो बनाता है बट वो रेडस्टोन के टॉर्च यूज़ करता है, लेकिन भले वो टॉर्च नहीं है तो क्या हुआ यहाँ पे भाई, 2x2 का टनल क्या कर रहा है, कि कहाँ से आ चुका है भाई, मेरे को यहाँ से निकलना है तो मुझे ये वर्ल्ड में रहना ही नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं, मैं कहीं और भागता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए ही नहीं हीरो ब्रेन, चाहिए ही नहीं मैंने। देखो भाई ये बिजलियाँ गिर गिर के मेरे को डरा रही है, मेरे को यहाँ से निकलने दो यार, अभी पता नहीं मैंने TNT देख लिया, ऊपर से 2x2 का टनल देख लिया, अब ऐसा ना हो जाए कि बिना पत्तों का पेड़ दिखे मेरे को, मैं यहाँ से दूर निकलता हूँ, यहाँ से फटाफट से निकलना ही पड़ेगा मेरे को। 1 eternity later.
तो गाइस वो विलेज से मैं कुछ ज़्यादा ही दूर आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को वो विलेज में रहना ही नहीं था। और ओके खाई में नहीं गिरना भाई, पता नहीं हीरोब्राइन मारे या ना मारे, यहाँ से जरूर मर जाएंगे। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं इतने बारिश में पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, और मुझे है ना बहुत ही दूर जाना यहाँ से। और ये क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे गाइस, बिना पत्तों के पेड़ आ रही है, तो सिर्फ एक ही साइन है हीरोब्राइन आ चुका भाई, क्योंकि पहले ही मेरे को TNT दिख चुकी है और मेरे को ना 2x2 का टनल दिख चुका है। अभी ये दिख रहा है भाई, देख सकते हो कुछ पेड़ पे, इस पेड़ पे पूरे पत्ते, उधर भी पत्ते बट इन पे नहीं है। और भाई मैं तो भाई, और देख सकते हो पेड़ भी, ये तो गिरा होता है कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें मेरे को देखने मिल रही है जो कि भाई पॉसिबल नहीं है ये देखना। ये कहाँ से आ रहे भाई, मतलब सच में हीरो बना आ चुका है। मैंने एक खतरनाक लेवल की गलती कर दी उसको स्पॉन करके, मुझे पता नहीं था कि सच में वो ट्रिक काम करती है या नहीं, बट वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक निकली। अब मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, ये वर्ल्ड में ही नहीं रहना, मैं जितना दूर हो सके यहाँ से निकलने वाला हूँ। मुझे चाहिए ही नहीं हीरोब्राइन भाई, हीरोब्राइन कोई खिलौना थोड़ी है जिससे मैं खेल सकता हूँ। जितना दूर हो सके निकल ले, क्योंकि भाई सीरियसली हीरोब्राइन अगर आ गया तो भाई मेरे को नहीं छोड़ेगा, मुझे उसको देखना तक नहीं है। मैं यहाँ से निकलता हूँ पहले तो मैं निकलता हूँ और है ना यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और फाइनल ओके क्या है, ओके फाइनली TNT वापस दोबारा कहीं से आ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, मैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे ना, दोबारा अचानक से TNT आ गया चलते चलते। ओके मेरे यहाँ पे फटा है TNT भाई, मेरा पीछा कर रहा है हीरोब्राइन, मुझे तो ऐसा लगता है। ओके देख सकते हैं यहाँ पे फिर से बिजली कड़की, वो है कहाँ मुझे अभी तक दिखा नहीं है, बट हर एक चीज़ मेरे को ये मतलब मेरे वर्ल्ड में हो रहा है जो हीरोब्राइन आने का साइन होता है भाई। मुझे यहाँ से दूर निकल, पता नहीं मैं कितना भी दूर भाग जाऊँ, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी एक सेकंड में आ जाता है, उसके पास पावर होती है टेलीपोर्ट होने की, वो कहीं से भी आ जाता है भाई। मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं ये वर्ल्ड से ही चला जाऊँगा भाई। अगर मुझे हीरोब्राइन दिख गया उसी वक्त मैं वर्ल्ड को है ना एकदम क्वाइट करके डिलीट मार दूंगा। और भाई वो मेरे को लगा वो भी बिना पत्ते वाले पेड़ है, जहाँ पे बिना पत्ते वाले पेड़ है TNT निकलते हैं वहाँ से दूर ही जाना है भाई। मुझे चाहिए ही नहीं हीरोब्राइन, मैं बेकार में क्यों आया यार, सॉरी मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं निकलता हूँ यहाँ से जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा दूर आ रहा हूँ और बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे को पहले ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं ये वर्ल्ड में रहना ही नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ से ना मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके ये क्या था, ओके तो भाई एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ तो देखा या किसी पेड़ के पीछे था, यहाँ पे तो कुछ तो देखा मैंने भाई, यहाँ पे मैंने कन्फर्म मैंने ना हीरोब्राइन को देखा शायद से, वो पीछे की साइड देख रहा था, मैंने कन्फर्म देखा भाई। मैं तो ये वर्ल्ड में नहीं रहने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ गाइस मैं जा रहा हूँ। तो